आपके माध्यम से हम यहाँ बताना चाहते हैं सभी अपराधियों को, जो भी फर्रुखाबाद में अपराध करेगा वो बच नहीं पाएगा। हम उसको कमिटल ऑफ अपराध से लेके दंड तक की मॉनिटरिंग करते हैं और उसको सजा दिलाकर रहेंगे। और भी महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है और जनपद फतेहगढ़ में ऑपरेशन कन्विक्शन को हम लोगों ने बहुत ही सीरियसली लिया है और बहुत ही सुचारू रूप तरीके से हम लोग चला रहे हैं। इस 3 महीने में हम लोगों ने जनपद फतेहगढ़ में कुल 101 सजाएं कराई हैं और इन 101 सजाओं में मतलब 101 मुकदमों में सजा कराई है, अभियुक्तों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। और जो सजाएं हम लोग करा रहे हैं, अब हम लोग पुलिस पूरा फ्रॉम द कमिटल ऑफ क्राइम, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद प्रोसिक्यूशन और ट्रायल, पूरे मामले एक आपराधिक मामले को लेकर शुरू से लेकर अंत तक मॉनिटर कर रही है, प्रभावी पैरवी कर रही है और उसमें सजा सुनिश्चित करा रही है। इससे हम अपराध को कम करने में सफल हो पाएंगे। अभी इस वर्ष ही हम लोगों ने 2023 के कई ऐसे मामले हैं जिसमें हमने सजा कराई है और जो लोग पहले एक बार अपराध करके 20 साल 25 साल तक फ्री घुमा करते थे जमानत लेकर, उनके लिए हम लोग एक प्रहार बनकर आए हैं। जो अपराध करेगा उससे जल्द से जल्द हम लोग सजा कराएंगे जिससे वो अपराध का अपना सजा भुगत पाए और आगे अपराध करने से कोई भी डरे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने फतेहगढ़ पुलिस ने एक परफॉर्मा तैयार किया है, हम लोगों ने गैंग चिन्हित किए हैं, जो गैंग अपराध में सक्रिय हैं उस गैंग को चिन्हित किया है। उन्होंने जितने आज तक अपराध किए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे गैंग ए है जो अपराध 2010 से कर रहा है और उसके 2010 के अभियोग में अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया है, लेकिन उसके ऊपर 10-15 से ऊपर अपराध हैं। तो हम लोग उस गैंग वार प्रोसिक्यूशन की सहायता से उसमें ट्रायल को मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें चार्ज फ्रेम करवा रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि उस गैंग को न्यायालय के माध्यम से न्यायालय के ट्रायल के बाद उसको नस्ते नाबूद किया जा सके। हम लोग इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसा आपको मैंने बताया, एक तो पहले जो भी प्रॉपर्टी ऑफेंस करने वाले गैंग हैं उनको हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं, उनके अभियोगों में प्रभावी पैरवी करवा रहे हैं और साथ साथ जो भी गंभीर अपराध है उसमें भी प्रभावी पैरवी करवा रहे हैं और जो अपराध करके बचने का जो प्रचलन आ गया था उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम यहाँ बताना चाहते हैं सभी अपराधियों को, जो भी फर्रुखाबाद में अपराध करेगा वो बच नहीं पाएगा, हम उसको कमिटल ऑफ अपराध से लेके दंड तक की मॉनिटरिंग करते हैं और उसको सजा दिलाकर रहेंगे। और हम लोग इस ट्रायल को मॉनिटर करने के लिए जो भी समन्स इश्यू होते हैं वो समन्स के बाद कितने गवाह पहुंचते हैं, प्रोसिक्यूशन का उसमें रोल कैसा है, प्रोसिक्यूशन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, अपराधियों को कैसे सजा दिलाई जा सकती है, सभी पहलुओं पर पुलिस प्रभावी मॉनिटरिंग करती है और मॉनिटरिंग करके उन्हें सजा दिलाती है।